हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सुकमा के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत जिले में जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, उनको पोषण पुनर्वास केंद्र के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र में कुपोषित बच्चों के देखभाल, दैनिक कार्यों के निर्वहन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 22 जुलाई 2022 को रखी गई है, जो सुबह 10:30 बजे से कक्ष क्रमांक 43 महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्टर परिसर कुम्हार रास जिला सुकमा में स्वयं उपस्थित होकर आपको पंजीयन कराते हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहां पर देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र छिंदगढ़ और मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र दोरनापाल में अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। जैसे कि छिंदगढ़ की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए एक पोस्ट है और केयर टेकर के लिए एक पोस्ट है, जिसमें स्टाफ नर्स के लिए 12,500 रुपए प्रति मंथ रखा गया है सैलरी, और वहीं पर केयर टेकर की बात करें तो 10,000 रुपए पर मंथ रखी गई है। कोंटा की बात करें तो यहाँ पर फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए एक पोस्ट है, सफाई कर्मचारी यानी कि भृत्य के लिए एक पोस्ट है और चौकीदार के लिए एक पोस्ट है। इनके सैलरी की बात करें तो फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 10,000 रुपए पर मंथ है, सफाई कर्मचारी के लिए 9,000 है और चौकीदार के लिए 6,000 रुपए रखी गई है। वहीं पर दोरनापाल की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए एक पोस्ट है, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए एक पोस्ट है, चौकीदार के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर भी इनकी सैलरी स्टाफ नर्स के लिए 12,500 रुपए है, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 10,000 है और चौकीदार के लिए 6,000 रुपए पर मंथ है। इनके एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इनकी शैक्षणिक योग्यताओं की। तो स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स जो भी कैंडिडेट पास कर चुके होंगे और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से उनका जीवित पंजीयन होगा तो वे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए बीएससी होम साइंस होना चाहिए, केयरटेकर के लिए 10th पास मांगा गया है, प्यून या क्लीनर के लिए 8वीं पास मांगा गया है और चौकीदार के लिए सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। अगर आपके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। इनकी और अधिक जानकारी के लिए आप इनके कार्यालय से अवलोकन कर सकते हैं और आवेदन के लिए फॉर्मेट और इनसे संबंधित कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, अनुभव कार्य से संबंधित कुछ अन्य विवरण होंगे, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर डेट दी गई है यानी कि 22 जुलाई को उनके कार्यालय में 10:30 बजे से आपको उपस्थित हो जाना है अपने संबंधित दस्तावेजों को लेने के बाद। और दोस्तों, इन्होंने साफ साफ यहां पर दिया हुआ है कि केयर टेकर भृत्य और चौकीदार पद के लिए स्थानीय निवासियों के आवेदन ही मान्य किए जाएंगे, यानी कि वहां के जो लोकल निवासी होंगे उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, यह भर्ती महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सुकमा के मध्य 1 वर्ष के लिए अनुबंध के रूप में की जाएगी। यहाँ पर इनकी सैलरी एकमुश्त देने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा आपको किसी भी और प्रकार के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं दी जाएगी। मैंने पहले भी बता चुका है कि इनकी एज जो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में रखी है, जिनकी आयु की गणना आपको 1 जुलाई 2022 की स्थिति में करना होगा। और दोस्तों, यहां पर देखिए जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे वही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ पदों पर मैंने पहले बता चुका है जैसे कि केयर टेकर भृत्य और चौकीदार के लिए स्थानीय निवासी के ही आवेदक इनमें पात्र होंगे, यानी कि सुकमा जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। और दोस्तों, आपके पास जितने भी संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं हैं आपको आवेदन फॉर्मेट के साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा अगर आप पहले से कहीं पे कार्यरत हैं तो उनसे संबंधित जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं आपको स्वयं द्वारा सत्यापित करके संलग्न करना होगा। इसके अलावा आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलतियां पाई जाती हैं तो आपके आवेदन फॉर्म में कोई विचार नहीं किया जाएगा, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। और अगर आप एक पद से ज्यादा पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। और जितने भी कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं यानी कि इस वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या व्यय भत्ता नहीं दी जाएगी। आपको इनके द्वारा जो नियत तिथि दी गई है, जो 27 जुलाई 2022 रखी गई है, आपको उसी डेट में उपस्थित होना पड़ेगा। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर्स और केयरटेकर के लिए आपके जो शैक्षणिक योग्यताओं से जो प्राप्त अंक होंगे उनके प्रतिशत के आधार पर 100% का वेटेज लेते हुए अधिकतम 60 अंक लिया जाएगा। वहीं पर संबंधित पद के आधार पर जो आपके पास अनुभव होगा उनका 5 अंक प्रति वर्ष के आधार पर 25 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा लिखित परीक्षा, समूह चर्चा या स्किल टेस्ट अगर ली जाती है तो वहां पर 15 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पर भृत्य, सफाई कर्मी और चौकीदार के लिए शैक्षणिक योग्यताओं से 100% का वेटेज लेते हुए अधिकतम 75 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अगर आपके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर अनुभव है तो आपको प्रत्येक वर्ष के आधार पर 5 अंक यानी कि टोटल अनुभव का 25 अंक दिया जाएगा।
तो दोस्तों इसी तरह से शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अंक को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें एक पद के पीछे 10 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, समूह चर्चा या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करते रहिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आवेदन करने से संबंधित कुछ समय दी गई है, जैसे कि आवेदन पत्र जमा करने का समय दिया है 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, वहीं पर इनका परीक्षण का समय 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रखी गई है, और पात्र पात्र की सूची का समय 2:00 बजे तक रखा गया है। वहीं पर आपको दावपत्ति का समय 2:30 बजे तक दी गई है, दावापत्ति निराकरण का समय दिया गया है 3:00 बजे, और यहाँ पर मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 3:30 बजे किया जाएगा। साक्षात्कार का समय चयन समिति के निर्णय के अनुसार ली जाएगी। तो दोस्तों यह रही महिला बाल विकास विभाग जिला सुकमा के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।